इसराइल और हमास के बीच का हाहाकार शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसराइल गाजा में सितम ढा रहा है तो इसराइल के खिलाफ हमास, हुती और हिजबुल्ला तीन तरफ से हमला कर रहे हैं। इस बीच एक फोन कॉल को लेकर ईरान के कान खड़े हो गए। इजराइल का प्रचंड प्रहार, हमास का जबरदस्त पलटवार, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध का नया अध्याय। और इस बीच जो बाइडेन का इजराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू को फोन आता है। हेलो प्राइम मिनिस्टर, हेलो मिस्टर प्रेसिडेंट, हमने दोहा टीम भेज दी है। ये बहुत अच्छी बात है, दोहा में शांति की उम्मीद है, बिल्कुल शांति की जरूरत है। हमास के प्रस्ताव पर इजराइल ने मोसाद चीफ के नेतृत्व में टीम क्यों भेजी? क्या इजराइल हमास के बीच शांति प्रस्ताव पारित होने वाला है? अगर हाँ तो दोनों के बीच किन शर्तों पर सहमति बनी है? या फिर पिछले शांति संधियों के जैसा ही अब की बार भी दोहा का हाल होने वाला है? इस सवाल का जवाब डिटेल में आपको आगे दिखाएंगे। उससे पहले गाजा का अपडेट देखिए। इजरायली हवाई हमले में 5 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। इनमें जबालिया रिफ्यूजी कैंप पर हुए हमले में 3 बच्चों की मौत हुई है, जबकि खान यूनिस में हुए हमले में दंपत्ति मारे गए हैं। शांति प्रस्ताव के बीच इजरायल फिलिस्तीन पर घातक प्रहार कर रहा है। शोजैया के आसपास के इलाकों में इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि उसने 100 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार दिया है। इजराइल हमले पर हमले कर रहा है तो दोहा शांति प्रस्ताव के लिए लालायित हमास के लड़ाके भी इजराइल के खिलाफ जबरदस्त एक्शन में हैं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप ने दावा किया है कि उसने इजरायली डिफेंस फोर्स के कब्जे वाले नेट जरीम और आसपास के इलाकों में मोर्टार दागे हैं। यही नहीं, ग्रुप का दावा है कि उसने रफा क्रॉसिंग के पास भी हमले किए हैं। मतलब दोहा में पीस की बात और जमीन पर युद्ध घमासान। ये ऐसा बड़ा सच है जो दोहा शांति प्रस्ताव पर चर्चा से पहले आशंका के बादल की ओर संकेत करता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बारंबार कह चुके हैं कि जब तक हमास का अंतिम लड़ाका नहीं मारा जाता, लड़ाई किसी भी सूरत में बंद नहीं होने जा रही। सवाल है, फिर नेतन्याहू ने दोहा के लिए टीम क्यों भेजी जो शांति प्रस्ताव पर चर्चा करने वाली है? इसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी अल कुड्स ब्रिगेड का जो दावा है वो देखिए, जिसके मुताबिक उसका जेनिन ब्रिगेड जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले का करारा जवाब दे रहा है। जेनिन ब्रिगेड की डिटेल यहाँ देखनी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके पहले जेनिन है कहाँ, उसे मैप पर समझिए। जॉर्डन नदी के पश्चिमी तट पर जमीन का बड़ा टुकड़ा है, जिसको इजराइल ने 1967 में 6 दिनों तक चले युद्ध यानी 6-day war के बाद जॉर्डन से छीन लिया था। इजराइल और फिलिस्तीन इस क्षेत्र पर अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन कई दशकों की बातचीत के बाद भी इसकी अंतिम स्थिति पर विवाद है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के उत्तर में जेनिन शहर में ये शरणार्थी शिविर है। 1995 से जेनिन फिलिस्तीनी प्राधिकरण के नियंत्रण में है, जो वेस्ट बैंक के कई हिस्सों का संचालन करता है और सीधे इजरायली शासन के अंतर्गत नहीं आता है।
हालांकि इजरायली सुरक्षा बल लगातार सुरक्षा अभियानों के नाम पर कैंप में घुसते हैं। इस कैंप में कई कंक्रीट की इमारतें हैं। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यानी UNRWA के मुताबिक ये कैंप 14,000 लोगों का घर है। इजरायल हमास के लड़ाकों को मारने के लिए इन गाजा के रिफ्यूजी कैंपों पर हमला करते रहता है। जबालिया और जनिन में उसके बस दो उदाहरण नहीं है, और कई है। इन रिफ्यूजी कैंपों में रहने वालों को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। एक तो हमास के लड़ाके इनका सपोर्ट नहीं करने पर इन्हें निशाना बनाते हैं, और दूसरी ओर इजरायली डिफेंस फोर्स इन रिफ्यूजी कैंपों पर इसलिए हमला करती है क्योंकि उनका मानना है कि हमास के आतंकी इन कैंपों को अपनी शरण स्थली बनाए हुए हैं। नतीजा है कि रिफ्यूजी कैंप शमशान में बदलते जा रहे हैं, लेकिन इजरायल और हमास दोनों को रोकने वाला कोई नहीं। जनिन कैंप ऐसा ही रिफ्यूजी कैंप है। जेनिन ब्रिगेड्स क्या है? जेनिन फिलिस्तीनी लड़ाकों की एक नई पीढ़ी है। इस कैंप को जेनिन ब्रिगेड्स का घर माना जाता है। इसे अलग अलग फिलिस्तीनी चरमपंथी समूहों के लड़ाकों का गुट माना जाता है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इस कैंप में तकरीबन 420 हथियारबंद लड़ाके हैं। स्थानीय इलाकों में ये ऑपरेट करते हैं और इजरायल के खिलाफ प्रतिरोध का हिस्सा है। जेनिन विद्रोहियों के पास संघर्ष के कूटनीतिक समाधान की कोई समाधान नहीं है। इनका अपने खुद के राजनीतिक नेतृत्व में कोई भरोसा नहीं है। जेनिन जबालिया में कितने लड़ाके छिपे हुए हैं इसका हिसाब किताब किसी के पास नहीं है, लेकिन विश्व बिरादरी के पास इजरायल फिलिस्तीन को लेकर जो हिसाब है वो ये बताता है कि इस युद्ध का हल फिलहाल किसी के पास नहीं है। दोहा में किसी तरह की घोषणा होती है तो वो सिर्फ युद्ध विराम वाली ही हो सकती है, क्योंकि नेतन्याहू हमास के समूल अंत तक मानने वाले नहीं दिखते। सवाल है फिर तो हमें क्या होने जा रहा है? अब तक हमास ने युद्ध को समाप्त करने और गाजा से इजरायली सैनिकों की पूरी तरह वापसी की मांग की है, जबकि इजरायल का कहना है कि वो लड़ाई में केवल अस्थायी विराम स्वीकार करेगा जब तक कि वो हमास को खत्म नहीं कर देता। हालांकि पश्चिमी मीडिया में छप रही रिपोर्टों के मुताबिक तो हमास ने पूर्ण युद्ध विराम की मांग छोड़ दी है। नई शर्तें गाजा की मिस्र के साथ दक्षिणी सीमा पर चलने वाली भूमि की पट्टी से इजरायली सेना की वापसी से संबंधित है, जिसे फिलाडेल्फी कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। इससे पहले बाइडेन की मध्यस्थता में इजरायल हमास के बीच जिस शांति प्रस्ताव को लेकर चर्चा हुई थी उसकी शर्तें इस वक्त देखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दोहा में भी यही मुद्दे उठने वाले हैं। 31 मई की योजना की घोषणा के मुताबिक शांति प्रस्ताव में तीन चरण शामिल हैं। पहले चरण में 6 सप्ताह तक चलने वाला पूर्ण और संपूर्ण युद्ध विराम, गाजा के आबादी वाले क्षेत्रों से इजरायली बलों की वापसी, कुछ बंधकों जिनमें महिलाएं बुजुर्ग और बीमार या घायल शामिल हैं को इजरायल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में देना, दूसरे चरण में सभी जीवित बंधकों की रिहाई और शत्रुता का स्थायी अंत, तीसरे चरण में गाजा के लिए एक प्रमुख पुनर्निर्माण योजना की शुरुआत और मृत बंधकों के अवशेषों की वापसी शामिल होगी। इजरायल हमास युद्ध का अंत दोहा में होगा या नहीं ये तो क्लियर नहीं है। हाँ, जमीन पर खासकर गाजा में जिस तरह से इजरायली फोर्सेज ऑपरेशन छेड़े हुए हैं वो अगर नहीं रुका तो फिलिस्तीनियों का मरना जारी रहेगा। इसके बावजूद कि लेबनान की ओर से भी हिजबुल्ला लगातार इजरायल पर गोले दाग रहा है, यमन के हूथी विद्रोही लगातार इजरायल को निशाना बना रहे हैं, इन सबके समय की थल के बिना गाजा जलता रहेगा और इजरायल जैसा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू कह रहे हैं तब तक गाजा पर हमले करता रहेगा जब तक हमास का आखिरी आतंकी जिंदा है।